हाय, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा फुल सर्कल का लहंगा स्कर्ट अम्ब्रेला स्टाइल में, जिसमें बहुत सारा घेरा है और नीचे गोटा फ्लावर लगे हैं। ये आप फंक्शन वेडिंग थोड़ा हैवी बनाया है मैंने, आप इससे भी हैवी बना सकते हैं। तो आज ये बहुत ही प्यारा सा लहंगा मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने गोटा फ्लावर लिए, जो आपको किसी भी लेस की शॉप पे आराम से मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता मिलता है। तो आपको ये कहीं भी मिल जाएगा। और ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है और ये थोड़ा कॉटन सिल्क में है और इसमें प्रिंट है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा, बहुत हैवी फैब्रिक नहीं है पर बहुत लाइट भी नहीं है, और मुझे लगता है मेरे लिए बहुत परफेक्ट लहंगा बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। तो जो टोटल लेंथ है 34 इंच है, और एक्स्ट्रा मार्जिन में कट करते समय ले लूँगी। 34 इंच मुझे बन के चाहिए, जिसमें 2 इंच ऊपर बेल्ट लगेगी और 32 इंच की हम एक सर्कल कट करेंगे। वेस्ट स्कर्ट में हमेशा हिप राउंड प्लस मार्जिन होता है, तो वेस्ट इज इक्वल टू हिप राउंड मेरा 40 है और प्लस 4 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं, तो 44 मेरे नाप में 44 मेरा वेस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। उसके बाद हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है वेस्ट डिवाइडेड बाय पाई। पाई होता है 3.14, अगर हाफ सर्कल आप बना रहे हो, पर यहाँ तो हम फुल सर्कल बना रहे हैं, तो पाई इज इक्वल टू 2 × 3.14 होगा, जो कि आएगा 6.28। तो हमारे फुल सर्कल मेजरमेंट में पाई है 6.28, जो कि सबके लिए सेम होगा। तो रेडियस इज इक्वल टू होगा 44 डिवाइडेड बाई 6.28। तो मेरे मेजरमेंट में जो मेरा रेडियस है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो 7 इंच है। ये सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। तो वेस्ट आपका अलग अलग हो सकता है, पर जो पाई है 6.28, वो सबके लिए सेम होगा। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये पूरा 4 मीटर कपड़ा फैलाया हुआ एक बार ऑलरेडी फोल्ड है, ये आप देख सकते हो। इसलिए फोल्ड किया होगा कि फ्रेम में पूरा आ जाए। आप देख सकते हो पूरा कपड़ा एक बार ऑलरेडी फोल्ड है, मतलब कि ये 2 पल्ले ऑलरेडी हैं, आप देख सकते हो। अब इस किनारे को पकड़ेंगे और इसको ले जाके हम दूसरे सिरे पे मिला देंगे, मतलब इस पूरे फैब्रिक को हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो इसको अच्छे से अब हम बैठा लेंगे, बिछा लेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हो। दोबारा फोल्ड करने के बाद इसमें 4 पल्ले हो जाएंगे। अब इसको अच्छे से हम बिछा देंगे। तो आपने देखा, हमने अच्छे से फैब्रिक को बिछा लिया है। इधर खुला साइड है, आप देख सकते हैं, इधर बंद साइड है, और तीन तरफ इधर और दूसरे साइड, तीसरे साइड सब खुला साइड है, बस एक साइड बंद है। तो जिधर बंद वाला साइड है, उधर से ही हम मार्किंग करेंगे। और आप पहले देख लीजिए, इधर 4 पल्ले होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये 4 पल्ले हैं। जब आप फैब्रिक फोल्ड करें तो आप ज़रूर चेक कर लें, 4 लेयर्स होने चाहिए। अब यहीं कॉर्नर पे हम अपने रेडियस की मार्किंग करेंगे, जो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से अपना फैब्रिक प्रेस करके बिठा लीजिए, और अब जिधर बंद वाला सिरा है, उधर से हम रेडियस मार्क करेंगे। तो जैसा कि मेरे मेजरमेंट में रेडियस 7 इंच आया था, तो हम 7 पे मार्क करेंगे, एग्जैक्ट मार्क करिएगा। उसके बाद हम इधर दूसरे साइड में भी 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद सर्कुलर वे में 7 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। इन पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। थोड़ा सा सुइंग के लिए हम मार्जिन रख लेंगे। बस ये हमारा हो गया वेस्ट, यही वेस्ट बैंड लगेगा। उसके बाद हम लेंथ लेंगे, जो कि स्कर्ट की, जो कि मैंने बताया था 32 इंच होगी, क्योंकि 2 इंच बेल्ट लगेगा जो कि बाद में कटेगा। तो हम यहाँ 32 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको इंची टेप को एकदम ऊपर कॉर्नर पे ले जाएंगे, तो देखेंगे 39 इंच लगभग हो रहा है। अब इसको सर्कुलर वे में हमें घुमा के मार्क करना, पर उससे पहले 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे, तो लगभग 40 हो गया। अब इस 40 को हम सर्कुलर वे में घुमाते हुए दूसरे एंड पे ले जाएंगे।
तो आप ये देख सकते हैं, इंची टेप के ऊपर कुछ थोड़ा सा हैवी सा सामान रख दें जिससे वो बार बार मिसप्लेस ना हो। उसके बाद हम घुमाते हुए दूसरे साइड में ले जाएंगे और 40-40 इंच पे मार्क कर देंगे। अब इन पॉइंट्स को हम एक साथ मिला लेंगे। बस इतनी सी हमारे स्कर्ट की मार्किंग है। अब ये जो दोनों मार्किंग आप देख रहे हो, यहीं से हम कट कर लेंगे और ये हमारा जो नीचे का सर्कल है, स्कर्ट वाला पार्ट, वो निकल जाएगा। अब इसको जब आप खोलोगे तो देखोगे एक्चुअली कितना ज़्यादा घेरा है, जो कि पूरा कैमरे में नहीं आ रहा। और ये दो पल्ले होते हैं आगे और पीछे के। जब आप पूरा खोल के बिछाएंगे तो एक सर्कल बड़ा सा आपको दिखेगा, पर ये इतनी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकती फ्रेम में। तो ये फ्रंट और बैक दोनों पल्ला कट गया है। हम अपना बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट के लिए आप देख सकते हैं ये डबल फोल्ड में फैब्रिक है और ये लगभग 46 इंच 45 इंच लेंथ में है और चौड़ाई में लगभग 4 इंच है। तो 44 मेरा वेस्ट है, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन। उसके बाद ये 4 इंच है जो कि फोल्ड होके मेरे इलास्टिक के बराबर लगभग 2.25 इंच का बनेगा। तो आप अपने इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो ये सारा कटिंग हो गया, इतनी ही कटिंग की ज़रूरत है। अब अपनी सिलाई पे जाएंगे। तो सिलाई में सबसे पहले हम, तो आप ये देख सकते हैं दोनों पल्लों को साइड से रॉन्ग साइड करके हमने सिलाई चला दी है, मतलब साइड से सिल दिया, जिसके बाद ये दोनों पल्ले आपस में जुड़ के एक स्कर्ट बन गए हैं। अब इनको हम सीधा करके आपको दिखाते हैं कि सीधा करने के बाद ये कैसे दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं एक सर्कल पूरा, एक घेरा दिख रहा है और ये साइड से सिला हुआ है, हमने साइड से सिल दिया है। बहुत आसान है ये बनाना। तो सबसे पहले दोनों पल्लों को लेके साइड से हम सिल देंगे जिससे दोनों पल्ले अटैच हो जाएं और एक सर्कल का रूप ले लें। तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों पल्ले जुड़ गए हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं आप अपने बेल्ट का काम करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने साइड से सिल के एक सर्कल बना लिया है। अब हम अपने स्कर्ट का सीधा साइड लेंगे और बेल्ट का रॉन्ग साइड, और इस तरीके से प्लेस करके चेक कर लेंगे कि वेस्ट बैंड और घेरा बराबर है कि नहीं। स्कर्ट का घेरा नहीं है, अगर छोटा बड़ा तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। वैसे हमने एक एक इंच एक्स्ट्रा, अगर 44 है तो 45 इंच का अगर हम फैब्रिक लेंगे तो आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा सिलाई में जाएगा। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से पिन लगा के फिर पक्की सिलाई चलाएंगे। तो देखिए हमने वेस्ट बैंड को स्कर्ट के साथ जोड़ने के लिए पहले पिंस लगा लें जिससे हम एक अच्छी फिनिशिंग की सिलाई कर लें। तो इस पर हम एक पक्की सिलाई करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने पक्की सिलाई कर ली है, ये वेस्ट बैंड हमारा जुड़ चुका है। अब सिंपल जब आप ऐसे करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। अब इसको हमें क्या करना है, एक फोल्ड लेना है इस तरीके से, सेंटर में थोड़ा सा जगह छोड़ना है जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। उसके बाद इसके किनारे किनारे पिन लगा के हम लोग इस तरीके से इस पे भी पक्की सिलाई कर लेंगे। सेंटर वाला थोड़ा सा जगह इसी तरीके से खुला छोड़ेंगे। तो ये सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैं स्टिचिंग के पार्ट्स इलास्टिक में इसलिए स्किप कर देती हूँ कि मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। तो हमने देखिए किनारे किनारे पक्की सिलाई चला ली। अब यहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे। तो आपने अगर मेरी वीडियोस देखी तो आपको पता है मैं इलास्टिक कैसे डालती हूँ। तो सबसे पहले पिंस लगा लेंगे। मैंने 32 इंच पे मार्क कर लिया, 44 वेस्ट है तो उससे 12 इंच कम मैं 32 इंच इलास्टिक लेती हूँ। मेरे लिए परफेक्ट होता है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज़्यादा। अब इस इलास्टिक को हम डोरी की तरह डालते हुए चारों तरफ घुमा के निकाल लेंगे। तो घुमा के निकालने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इन दोनों इलास्टिक को हम आपस में जोड़ लेंगे और अंदर करके जो खुला पार्ट है उस पर सिलाई चला के बंद कर देंगे और ये हमारा इलास्टिक वेस्ट बैंड का काम हो गया है। अब इसके बाद जो ये गोटा फ्लावर है, इनका काम है कि इनको कहाँ अटैच करना है, कैसे अटैच करना है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप ये देख सकते हो इलास्टिक वाला काम हो गया है। अब इसका जो हेम है उसको हम कैसे फिनिश करेंगे और यहीं पे हम कैसे गोटा लगाएंगे वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको लगाने से पहले गोटा फ्लावर को हमें सबसे पहले सिंपल इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। तो चलिए मैं इसको करके दिखाती हूँ, फिर दिखाऊंगी कि कैसे आपको ये गोटा फ्लावर लगाने। तो देखिए मैंने सिंपली डबल फोल्ड करके ये पूरा घेरा फिनिश कर लिया है। अब इसको हम
प्लेस करेंगे जहाँ जहाँ जितनी दूरी पे आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग। बहुत आसान है इनको लगाना। आप इस तरीके से लेंगे, हाफ इस तरीके से प्लेस करेंगे और एक किनारे किनारे सिलाई चलाते जाएंगे। अब आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कितना पास कितना दूर लगाना चाहते हैं वो बिल्कुल आपके ऊपर। आप एकदम पास पास भी इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छा और हैवी लुक आएगा। आप थोड़ा दूर कर सकते हैं, मैंने काफ़ी दूर दूर लगाया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए था। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि मैंने ये कैसे लगाया हुआ है और ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से हम हाफ पे प्लेस करेंगे क्योंकि बीच में थोड़ा सा होल होता है, उसको हम छुपाते हुए इस तरीके से कपड़े के नीचे रखेंगे, सिलाई चलाते जाएंगे। सिलाई बहुत आसानी से चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई निडल विडल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जितनी पास पास चाहें या जितना दूर दूर चाहें, आपकी मर्जी, आप उस अपने पसंद के अकॉर्डिंग इनको प्लेस करिए। ये बहुत सस्ते मिलते हैं तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। आप चाहो तो एकदम पास पास भी लगा सकते हो अगर आप फंक्शन पार्टी वेडिंग्स के लिए बना रहे हो। मैं इतना हैवी नहीं बनाना चाहती हूँ इसलिए थोड़ा दूर दूर पे लगा रही हूँ। बस ये हम लगा लेंगे तो ये मेरा लहंगा वाला स्कर्ट बन के तैयार हो जाएगा। और आपने देखा बहुत आसानी से बन गया है। आई होप आप बनाओगे, आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। और प्लीज़ ट्राई करिएगा, ट्रस्ट मी अच्छा बनेगा। और आई होप आप लोग अभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो बेहतर होगा कि हम घर में रहें और कुछ दिन आराम करें, इसी बहाने रिलैक्स करें। और मैं क्या बोलूँ, बस यही कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अच्छे हो, हेल्दी हो। तो अब ये इसी तरीके से हम लगा लेंगे। और आप चाहें तो जब इलास्टिक लगाएं, वेस्ट बैंड लगाएं, तो वहाँ लटकन भी इस तरीके का इसका बना के लगा सकते हैं। मैंने बताया है कि आप इस तरह का मल्टी लेयर इस गोटा फ्लावर से कैसे बनाएं, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा लटकन मैंने बनाया, वो लहंगे में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इन गोटा फ्लावर्स को आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं अपने कपड़ों को डिज़ाइन करने के लिए, स्पेशली जो एथनिक हैं जिन्हें आप हैवी बनाना चाहते हैं। और ये बहुत सस्ती चीज़ है तो आई होप आप ट्राई करोगे। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप नीचे कोई अच्छी सी लेस भी लगा सकते हो, टोटल आपके ऊपर है। तो आई होप आप ट्राई करो, आपका बहुत अच्छा बने और आप बहुत अच्छे हों। गुड लक, आप सेफ हों। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए, प्यार दीजिए और आई होप आपके काम की हो। आपको मेरी वीडियोस देख के लगे कि आपने कुछ सीखा है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस में आपको क्या नहीं पसंद है, क्या पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।